हेलो स्टूडेंट्स, डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल डिफेंस एकेडमी विदिशा में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। सब लोग कोरोना काल में घर से ही अपनी पढ़ाई करें और आपकी पढ़ाई को निरंतर रखने के लिए हमारी डिफेंस एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट विदिशा के द्वारा आपकी स्टडी को कंटिन्यू कराने के लिए हमारे द्वारा YouTube चैनल पर अभी स्टडी स्टार्ट की गई है। आप इसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को YouTube चैनल की जो लिंक रहेगी वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखने के लिए आप डेली शाम को 8 बजे तक आपके सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, GK, हिंदी, जो आपको पता है, जैसे कि अभी आने वाले एग्ज़ाम जेल प्ररी, MP कांस्टेबल, दहली कांस्टेबल, MPSI और दहली CPO SI, इन एग्ज़ामों में जो मटेरियल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही आपको पढ़ाया जाएगा। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। आपको पर डे जो लेक्चर लिए जा रहे हैं वो आपको देखना है और नोट्स ज़रूर बनाना है, ठीक है। और कोई भी किसी को डाउट हो तो वो जो अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं डिफेंस एकेडमी ग्रुप में, उसमें अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जेल प्ररी में भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टेबल में, SI में, दिल्ली SI, SSC, रेलवे, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया के बारे में जो सामान्य परिचय होता है वो आपको कंफर्म याद होना चाहिए। उसमें जो मैं आपको डेटा बताऊंगा वो कंफर्म फिक्स है, वो एग्ज़ाम में वैसा का वैसा पूछा जाता है, आपको वैसा का वैसा याद रखना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि भारत का संवैधानिक जो नाम है वो क्या है और भारत का संवैधानिक नाम किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है। भारत का नाम, भारत जो हमारे संविधान में जो नाम अनुच्छेद 1 में दर्शाया है, उसका नाम है भारत या इंडिया, ठीक है। भारत का नाम इंडिया है, आर्टिकल हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग भारत या इंडिया। क्या नाम है स्टूडेंट्स? भारत या इंडिया। हमारा संविधान जब लिखा गया था, सबसे पहले जो पहला अनुच्छेद था उसमें भारत या इंडिया, भारत का नाम रखा गया था। भारत को हिंदुस्तान का संबोधन, हिंदुस्तान का संबोधन किसने दिया? और जैसे हम हिंदुस्तान बोलते हैं वैसे ही हम इसको इंडिया भी बोलते हैं, इंडिया, ठीक है। इंडिया का संबोधन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि भारत को हिंदुस्तान का संबोधन किसने दिया, भारत को इंडिया का संबोधन किसने दिया, भारत को हिंदुस्तान का संबोधन मध्यकालीन इतिहासकार ईरानी और अरबियों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ईरानियों के द्वारा, किसके द्वारा स्टूडेंट्स? ईरानियों के द्वारा भारत को हिंदुस्तान का संबोधन दिया था ईरानियों ने, ठीक है। सिंधु नदी के आधार पर ही, सिंधु नदी को स्थानीय भाषा में उसका नाम थोड़ा चेंज होता गया और उसको हिंदुस्तान बोलने लगे, वैसे ही इंडिया। आपको पता है सिंधु नदी का जो प्राचीनतम नाम है वो क्या है? इंडस। क्या स्टूडेंट्स? इंडस। सिंधु नदी को प्राचीन काल में इंडस के नाम से जाना जाता है, उसके आधार पर, इंडस नदी के आधार पर, मतलब सिंधु नदी के आधार पर इंडिया का संबोधन यूनानियों ने दिया। किसने दिया स्टूडेंट्स? यूनानियों ने। ये याद रखना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं आपको वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में पढ़ना क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे सिलेबस बहुत होता है, फालतू की चीज़ें पढ़ लेते हैं, उससे अच्छा है पहले वो सिलेबस कंप्लीट करें जो 80% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है, हम वो पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 1 के अनुसार भारत का नाम क्या है?
इंडिया है, जो कि आर्टिकल एक अनुच्छेद एक में दर्शाया गया है। भारत जो है उसे हिंदुस्तान का संबोधन ईरानियों ने, इंडिया का संबोधन यूनानियों के द्वारा दिया गया। अब भारत का क्षेत्रफल, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा जो भारत है, हमारा इंडिया है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अब विश्व में 200 से भी ज़्यादा देश हैं, उनका टोटल सभी देशों का माना जाए तो 100% क्षेत्रफल, उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व में जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल, भारत का विश्व में कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल जो है 2.42% है। कितना स्टूडेंट? 2.42%। तो भारत का विश्व में कुल क्षेत्रफल है वो है 2.42%, ठीक है। अब भारत का क्षेत्रफल कितना हुआ? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और भारत का विश्व में कुल क्षेत्रफल है 2.42%। 100% में से 2.42% भारत का कुल क्षेत्रफल है विश्व में, ठीक है। अब भारत का आकार, भारत का आकार, भारत का आकार कभी पूछा जाए तो भारत का आकार अलवरूनी के अनुसार, किसके अनुसार? अलवरूनी के अनुसार पतंगा आकार का है, पतंगाकार है, और कभी ज़्यादातर ऑप्शन में आता है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय ग्रेम स्टेंस जो इतिहासकार थे उनके द्वारा भारत का जो आकार है वो क्या है? चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय भारत का आकार क्या है स्टूडेंट्स? चतुष्कोणीय भारत का आकार चतुष्कोणीय, भारत का आकार चतुष्कोणीय है। इसके बाद क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत उत्तर से दक्षिण तक, मतलब उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल दूरी क्या है, क्या भारत का कुल विस्तार क्या है? भारत का उत्तर से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक दक्षिण तक कुल विस्तार, ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है स्टूडेंट्स? सबसे ज़्यादा है ये, यहाँ से यहाँ ज़्यादा दूरी है, ये ज़्यादा है, और ऐसे में पूर्व से पश्चिम कम है। भारत उत्तर से दक्षिण मतलब जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की जो कुल दूरी है वो किलोमीटर में, वो 3214 किलोमीटर है स्टूडेंट्स। कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। भारत उत्तर से दक्षिण तक जो फैला हुआ है वो 3214 किलोमीटर है। इसके बाद पूरब से जो पश्चिम का हिस्सा है वो कितने किलोमीटर है? भारत का पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है स्टूडेंट्स? ये है 2933 किलोमीटर। कितना विस्तार है? 2933 किलोमीटर। ये पॉइंट याद रखना, ये स्टैटिक जीके जो ऐसा आपको लिखा है वैसे याद रखना है, वो चेंज नहीं होता बार बार, ठीक है। ये डाटा एक बार फिक्स है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अब भारत पूरब से पश्चिम हो गया, उत्तर से दक्षिण हो गया। अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारा कोई भी देश हो उसमें उत्तरतम बिंदु होता है, दक्षिणतम बिंदु होता है, पूर्वतम बिंदु होता है और पश्चिमतम बिंदु होता है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि पूरा भारत है, यहाँ पर उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु
ठीक है। उत्तरतम बिंदु क्या है यहाँ पे, यहाँ पर एक पॉइंट है जो अंतिम छोर है हमारा इंडिया का, इसके बाद अफगानिस्तान का क्षेत्र जाता है और इस साइड पाकिस्तान का क्षेत्र जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका नाम है इंदिरा कॉल, क्या नाम है स्टूडेंट्स, इंदिरा, इंदिरा कॉल, जो कि काराकोरम दर्रा है जो पीओके का हिस्सा है, और इंदिरा कॉल भी पीओके में ही, ठीक है, जिसको भारत, अब भारत का है पीओके, जहाँ पर पाक ऑक्साइड कश्मीर, जहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है, जो विवादित जमीन है वहाँ पर है इंदिरा कॉल, ठीक है। स्टूडेंट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको नोट्स में लिखते जाएँ, अच्छे से समझ समझ के नोट्स में लिखें, और उसको जब पढ़ाया जा रहा तभी याद कर लें, ठीक है। इसके बाद दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत के दक्षिणतम बिंदु का जो छोर है वो, तो दक्षिणतम बिंदु है वो है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में जो निकोबार है, ग्रेट निकोबार, वहाँ पर अंतिम छोर है हमारा, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, क्या है स्टूडेंट्स, इंदिरा पॉइंट। अब कई बार एग्जाम में आ चुका है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वैसे ये पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, ये 2004 की सुनामी में डूब चुका है, खत्म हो गया है, क्योंकि जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो, उसकी ज़्यादातर जो भूमि है वो जलमग्न है, ठीक है। तो 2004 की सुनामी में ये जो पॉइंट था डूब गया, मगर हमारा ये दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। इसके अन्य नाम, अन्य नाम, इसके अन्य नाम, इसके तीन अन्य नाम हैं, आप याद रखेंगे तीनों के तीनों। इंदिरा पॉइंट को पिग डेलियन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे फेमस है पिग मेलियन, पिग मेलियन भी बोला जाता है इंदिरा पॉइंट को, ला हिचिंग भी बोला जाता है, ला हिचिंग पॉइंट, और एक और नाम है जिसको बोलते हैं पार्सन। ये सभी एक ही के नाम है, नाम चेंज अलग अलग हुए हैं, ठीक है, पार्सन। अब ये याद रखना है कभी आ जाए कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, ऑप्शन आ चुका है एग्जाम में, आ चुका है, आपको याद रखना पड़ेगा, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन और लॉहचिंग या पार्सन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे भारत का पूर्वतम राज्य है अरुणाचल प्रदेश, तो पूर्वतम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में ही होगा, तो यहाँ पर पूर्वतम, पूर्वतम बिंदु, भारत का पूर्वतम छोर या पूर्वतम बिंदु ये है अरुणाचल प्रदेश में किवीथू, क्या है स्टूडेंट्स, किवीथू, किवीथू अरुणाचल प्रदेश में एक, किवीथू एक जगह है जो हमारा अंतिम छोर है, इसके बाद म्यांमार आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद गुजरात, गुजरात में पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है गुजरात, यहाँ पर कच्छ का रण, कच्छ के रण में एक जगह है गोहर मोती, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पश्चिमतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु क्या है, पश्चिमतम बिंदु भारत का है गोहर मोती, गोहर मोती, ठीक है स्टूडेंट्स, गोहर मोती, ये कच्छ, कच्छ जिला है, कच्छ का रण, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का उत्तरतम राज्य, भारत का दक्षिणतम राज्य, भारत का पूर्वतम राज्य और भारत का पश्चिमतम राज्य कौन सा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको लिखवा दिया है उसको आप नोट्स बना लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे भारत का पूर्वतम राज्य, पूर्वतम राज्य कौन सा है, भारत का पूर्वतम राज्य है अरुणाचल प्रदेश,
क्या है स्टूडेंट्स? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं भारत का पश्चिमतम राज्य, भारत का पश्चिमतम राज्य, ठीक है, भारत का पश्चिमतम राज्य, भारत का पश्चिमतम राज्य क्या है स्टूडेंट्स? गुजरात। ये भारत के एकदम पश्चिम में है गुजरात। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरतम राज्य, उत्तरतम राज्य, भारत का उत्तरतम राज्य क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। अब ये राज्य नहीं है, अब ये एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद भारत का दक्षिणतम, भारत का दक्षिणतम राज्य, भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है स्टूडेंट्स? भारत का दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स? तमिलनाडु। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भारत में कितने राज्य हैं, कभी नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बताइए, या ये पूछ लें। राजधानी भी याद कराऊंगा मैं, इसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको राजधानियां पूरी पढ़ाऊंगा केंद्र शासित प्रदेश की और राज्यों की, ठीक है। मगर इससे पहले भारत के कुल राज्य क्या स्टूडेंट्स? भारत के कुल राज्य, भारत के पहले 29 राज्य से, आपको पता पहले भारत के 29 राज्य थे, मगर जम्मू एंड कश्मीर को जब से यूनियन टेरिटरी में लाया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को हटाने के बाद उसमें से लद्दाख को अलग करके दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई हैं, आपको पता है या नहीं है पता तो आप याद रखें, तब से एक राज्य कम हो गया है, तो कुल कितने? कुल 28 राज्य। भारत में कुल कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य, ठीक है स्टूडेंट्स, भारत में कुल 28 राज्य। ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अब हम पढ़ते थे कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपको पता है जब से जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जे से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब से जम्मू एंड कश्मीर उसको तोड़कर एक और बना लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरी और बन गई तो 9 हो गई, मगर वर्तमान में कितनी है? 8 है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक कम कौन सा हो गया? जो दमन द्वीप था उसको दादर नागर हवेली में ऐड कर दिया, दोनों को एक ही यूनियन टेरिटरी माना जाता है, इसलिए एक संख्या कम हो गई, मतलब 8 हो गई, ठीक है। तो भारत के कुल केंद्र शासित, कुल केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? केंद्र शासित का मतलब होता है जो जहां पर केंद्र का शासन लागू होता है वहां पर उसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। केंद्र शासित, केंद्र के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला राज्य शासन केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। इनकी संख्या कुल है 8, कितनी है स्टूडेंट्स? कुल 8, ये याद रखेंगे आप। तो भारत का पूर्वतम राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पश्चिमतम राज्य क्या है स्टूडेंट्स? गुजरात। भारत का उत्तरतम राज्य क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। अब ये यूनियन टेरिटरी है फिर भी ये उत्तरतम। इसके बाद दक्षिणतम राज्य क्या है? तमिलनाडु है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के कुल राज्य, 28 राज्य हैं। भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स।